अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई कीटो रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने सोचा कि मैं भी बना रही हूँ, तो क्यों ना मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ कि कीटो स्नैक कैसे बनाते हैं और कीटो स्नैक फ्रेंडली कौन सी है, जो येलो और उसके अलावा आप इसको फ्रूट के साथ मिक्स कर सकते हैं। और इवन ये बहुत इजी अवेलेबल है फूड स्टोर पे, और ये वीगन फ्री है, वीगन है, वीगन यूज़ कर सकते हैं इसे हम। ये हलाल है क्योंकि हम ऑफ कोर्स दूसरी येलोज तो यूज़ नहीं करते जो बनी होती हैं, उन पे लिखा होता है कि ये येलेटन है इसमें ना सारा कुछ, वरना ये जो मैं लेके आई हूँ ये वीगन है, तो इसलिए हम ये खा सकते हैं। ठीक है, मेरे पास मैं ढूंढ के लेके आई हूँ कि आपको दिखाऊं, और इजीली अवेलेबल है ये स्टोरों पे। और आप अगर आपको किसी को पता है कि 99 सेंट्स पे जाते हैं आप लोग, तो वहाँ भी ये अवेलेबल है। और अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी है और इजी स्नैक है, और टू गो भी कर सकते हैं इसे। और नहीं तो अगर आप लाइक करते हैं कि आप इसमें फूड ऐड करें, कोई भी फ्रूट ऐड करें, तो ये एज ए स्नैक आप थोड़ा सा हैवी इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो इसको यूज़ किया है, मैं अभी तो लेके आई हूँ, वरना मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ इसके साथ। जो मैं आज कर रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, मैंने एप्पल कट किया एक, और मेरे पास ब्लूबेरी है, आई लव ब्लूबेरी, और काइंड ऑफ आई लाइक, ओके, एप्पल आई जस्ट लाइक इट, आई डोंट लव एप्पल, एंड मुझे बहुत पसंद नहीं है, वरना मैं चाहती होती हूँ कि खा लूँ जैसे भी करके, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप हल्का फुल्का स्नैक लेना चाहते हैं तो आप एप्पल खाएंगे तो दैट्स रियली ग्रेट फॉर योर हेल्थ। वन एप्पल वंस अ डे एंड दैट्स रियली गुड फॉर योर हेल्थ। एंड ब्लूबेरी, ये आपके ब्रेन को तेज़ करती है, एक तो इसका बहुत फ़ायदा है। अगर आप मेमोरी लूज़ कर रहे हैं ना, तो मैं आपको कहती हूँ अगर ये आप ब्लूबेरी, रोज़ ब्लूबेरी खाएंगे और आवाकाडो खाएंगे, आवाकाडो दैट्स रियली ग्रेट फॉर योर मेमोरी। ठीक है, ये तो तीसरा ऑप्शन था जो कि मैं मेमोरी के लिए बता रही हूँ, वरना मैं तो कीटो डाइट के लिए आई हूँ, तो मैं आपको कीटो डाइट की रेसिपी बताती हूँ। चलें ठीक है, तो हम बनाते हैं। मैं ऑफ कोर्स सारी नहीं यूज़ करूँगी, मैं एक फ्लेवर यूज़ करूँगी, तो आप मुझे बताएं मैं कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करूँ। तो अभी जो मेरा दिल कर रहा है एप्पल और ब्लूबेरी के साथ, पाइनएप्पल भी यूज़ कर सकती हूँ, मैंगो भी यूज़ कर सकती हूँ, स्ट्रॉबेरी भी यूज़ कर सकती हूँ, ऑरेंज भी यूज़ कर सकती हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। ये एप्पल, ठीक है, मैंने बहुत सारा नहीं बनाना क्योंकि मैं ये सेव कर लूँगी थोड़ा सा, इतना सारा बना के ज़्यादा थोड़ी करना है, फ्रेश फ्रेश बना लेंगे, तो दूसरा कोई और फ्लेवर ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये देखें कितना मज़े का फ्लेवर आएगा, तो गैस करें मैं कौन सा यूज़ करें। मैं मैंगो यूज़ करी हूँ। ठीक है, ठीक है, ये देखें, और मुझे इसका रैप भी मिल गया, तो मैंने कहा कि मैं आपको इसका रैप भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ठीक है, अगर आपसे पढ़ा जा रहा हो तो पढ़ लीजिए। और इसका ये ऊपर वाला रैप ये है, इजीली अवेलेबल है, आप इसको कहीं से भी ले सकते हैं। और मेक श्योर इफ़ यू आर मुस्लिम यू नीड टू बी फाइंड हलाल वन। ठीक है, और न्यूट्रिशन है, और सारी इंग्रेडिएंट्स भी, कैलोरीज भी सारा कुछ बताया हुआ है, प्रोटीन्स, और उसके अलावा इट्स रियली डिलीशियस, आई जस्ट ट्राई एंड इट्स रियली डिलीशियस। और ये देखें, मैं वैसे नॉर्मली मैं अपने घर पे बनाती हूँ,
और आज मुझे ये फ्लेवर नज़र आए और इतने मज़ेदार से फ्लेवर थे कि मैं इन्हें छोड़ नहीं सकी, क्योंकि मैंगो मेरा फेवरेट है, पाइनएप्पल तो मेरा बहुत ही फेवरेट है, स्ट्रॉबेरी ओके है, ऑरेंज भी ओके है, वरना मैं लेके आई हूँ, अगर मेरे बच्चे लाइक करेंगे तो ऑफ कोर्स मैं दोबारा से भी लेके आऊँगी, और इनको मैं नए फॉर्मेट में भी आपको यूज़ करके दिखाऊंगी कि आप इसको पुडिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। और ये कीटो फ्रेंडली मैं बता रही हूँ आपको, ये बहुत मज़े की रेसिपी है, कि स्नैक हैं, कीटो स्नैक फ्रेंडली हैं, ठीक है, और कीटो फ्रेंडली हैं, और अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको कहते हैं ना कि थोड़े थोड़े स्नैक खाना चाहिए सारा टाइम में, एक ही दम में पेट भर के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपको ज़रूरत होती है कि थोड़ा थोड़ा खाएं, और ऐसे में आपका पेट भी फुल रहता है और उसके साथ आपके मेटाबॉलिज्म भी ठीक होते हैं, ठीक है। और ये जो ब्लूबेरी का मैंने बताया था, ये मैंने खुद ट्राई की है और मेमोरी के लिए बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, और इसको आप अपनी रूटीन में शामिल कर लें, और उसके अलावा अवोकाडो को भी आपकी अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात में शामिल करें तो आप उसके फ़ायदे देखेंगे, ठीक है। तो मुझे इजाज़त दीजिए नई रेसिपी के साथ और नई इंग्रेडिएंट्स के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और दुआओं में बहुत याद रखिएगा मुझे, तो नई रेसिपी के साथ फिर मिलती हूँ, ये देखिए, ठीक है। एक बार फिर आपको इसकी इंग्रेडिएंट्स दिखा देते हैं ताकि कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। और ये फ्लेवर थे,